हेलो फ्रेंड्स, हमारे फूड ट्रेजर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्नैक्स में बनाएंगे आलू के भल्ले। बहुत ही झटपट तैयार होने वाले स्वादिष्ट भल्ले। आप इसे हरी चटनी और मीठी चटनी दोनों के साथ खा सकते हैं। इसके लिए हमें उबले हुए आलू, उनको मैश कर लें या कद्दूकस कर लें, और उसके लिए आधा चम्मच छोटी चम्मच नमक, उन्हें अच्छे से मिलाकर कर लें, मैश कर लें, अच्छे से मैश करें आलूओं को। हल्का सा तेल का हाथ लगा लें जिससे कि चिपके नहीं हाथ में आलू। उन्हें हमने देखिए उसको अच्छे से मैश कर लिया है आलूओं को। अब इसकी हम छोटी छोटी लोई तोड़ने के लिए प्लेट लेके एक छोटी छोटी लोई, तो हाथ में तेल लगाया थोड़ा सा और छोटी छोटी लोइयाँ हमने तोड़नी शुरू कर दी। ये देखिए थोड़ा सा आलू का लिया मैंने, पिठी को गोल घुमाया और उसको थोड़ा सा दबा दिया। हाथों को थोड़ा चिकना रखें जिससे कि आलू हाथों में चिपके नहीं। ये देखिए एक और बना रही हूँ मैं। हाँ, ये मैंने गोल किया, इसको दबाया और रख दिया। इसी तरीके से हम सारी आलू के लोइयाँ तैयार कर लेंगे। ये देखिए सारी तैयार हो चुकी हैं। अब इन्हीं लोइयों के लिए हम आगे इस्तेमाल करेंगे बेसन का। 1 कप बेसन, और उसमें डालने के लिए छोटी 1 चम्मच नमक। हम नमक स्वाद अनुसार ले सकते हैं, वैसे थोड़ा सा नमक ही डालकर इसमें टेस्ट बढ़ जाता है। ये मैंने डाल लिया। बेसन मेरा छना हुआ है इसलिए मैंने छाना नहीं है उसे। ये बाउल में लेकर इसको मिला लेंगे हम, और पानी लेंगे। 1 कप भी पानी लिया है मैंने बेसन घोलने के लिए। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालेंगे और अच्छे से इसको हम मिलाते जाएंगे। पानी डालेंगे थोड़ा सा और इसको मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे जिससे कि इस बेसन और पानी अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें गुठलियाँ ना पड़े। ये देखिए आलू भल्ले कैसे लगे। ये देखिए बेसन मैंने ये इस तरीके से घोला है। इसमें अभी पानी थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएं और इसको पतला घोल बना लें इसका, ना तो बहुत ही पतला हो और ना बहुत गाढ़ा हो। ये देखिए इसको अच्छे से फैटते हुए मिला लें। ये देखिए इस तरह का पतला बेसन हो चुका है। बस ऐसा ही बेसन हमें चाहिए। अब हमने एक कढ़ाई में तेल रख दिया है डीप फ्राई करने के लिए। बस इतना हो कि भल्ले उसमें डूब जाएं, बहुत ज़्यादा भी तेल की ज़रूरत नहीं है डालने की। कढ़ाई अगर फैली हुई लेंगे थोड़ी सी तो अच्छी है। ये भल्ले हम एक एक करके इस घुले हुए बेसन में डालते जाएंगे। गैस की आंच अब हाई मीडियम ही रखें शुरू में। ये देखिए इस तरीके से बेसन में मिलाएंगे इसको। जितने भल्ले अभी बाउल में आ सकते हैं उतने इसमें हम डाल ले रहे हैं। चारों तरफ से अच्छे से टिप करके मिलाते हुए बेसन में बाउल में डालते जाएं। आ गए भल्ले जितने इसमें मैंने उतने मिला लिए। अब मेरा तेल भी जब तक गर्म हो चुका है, और इसमें अब हम भल्ला इस तरीके से उठाएंगे और डालते जाएंगे इसमें। जितने भल्ले उसमें आराम से आ सकते हैं आपकी कढ़ाई में उतने डाल लें। मेरी कढ़ाई में कम से कम 6 भल्ले आराम से आ जाएंगे और मैं उनको उसमें डाल लेती हूँ। देखिए आराम से सिक जाएंगे इतने के। बहुत जल्दी सिकते हैं। ये देखिए हाई मीडियम अभी आँच है। थोड़ी देर बाद सिकने के बाद इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद थोड़ी भी देर में फिर हम इसको हाई कर लेंगे। ये बहुत जल्दी सिक जाते हैं। इस तरीके से एक एक पलटते जाइए आराम से। प्लीज़ फ्रेंड्स,
आप इसको देखिए, आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए आपको ये कैसे लगे। बनाने के बाद कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसे लगे बल्ले खाने में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इस तरीके से ऐसे पलट कर पूरी तरीके से उसको हम इसको अच्छे से हम सेक लेंगे। कलर चेंज होने लगा है बल्ले का, ये देखिए हमारे बल्ले सिकने शुरू हो चुके हैं। इस तरीके से बल्ले अब हम निकाल लेंगे, जाली पर निकालेंगे, जैसे कि तेल जितना एक्स्ट्रा हो उसका वो निकल जाएगा। एक्स्ट्रा तेल जाली में सब निकल जाएगा, अंदर भी चिकनाई इसमें नहीं बढ़ती, क्योंकि इसमें बेसन की कोटिंग जो रहती है उसकी वजह से। और उसमें हम डाल कर देखते रहेंगे जब तक, और जब तक हम चटनी की तैयारी करते हैं, इसके लिए हरा धनिया, 7 मिर्चें ली हैं मैंने, 1 चम्मच जीरा लिया है, थोड़ी सी अदरक ली है, खटाई ली है 2 चम्मच, 1 चम्मच जीरा बना हुआ, 1 चम्मच नमक छोटी, और हम लहसुन खाते हैं हमने लहसुन डाला है। आप अगर लहसुन का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो ना डालें। इन सारी चीज़ों को चटनी बनाइए, बहुत टेस्टी चटनी लगेगी आपको। सारी चीज़ें उसमें डालकर पॉट में थोड़ा सा पानी डाल दें, और हम ये अदरक सारी चीज़ें मिलाकर चटनी पीसते हैं। भल्ले सौंठ से, चटनी से, सॉस से, किसी से भी खाइए आप, हर चीज़ से टेस्टी लगेंगे, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। ये देखिए सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल ली हैं। अब थोड़ा सा पानी डालकर इसको बंद करके, और मैं अभी पीसने के लिए मिक्सी में चला ली है, और मेरी चटनी तैयार हो चुकी है। चटनी भी तैयार है बल्लों के लिए, हरी चटनी। सौंठ मेरे पास पहले से रखी थी, उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए आलू बल्ले सौंठ के साथ, चटनी के साथ, आप चाहें तो सॉस के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए ये सॉफ्ट है अंदर, ऊपर